आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। बलि के मस्तक पर बलि की कलश जलाने बाहुबली के मस्तक पर
जय स्वागत सरिता विवेक जय कुबेर हित मोहित जय अंकिता जय
समस्त परिवारस्य समस्त यजमानस्य समस्त यजमानानि परिवारस्य ओम हरि मरणम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु 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 शंभुजी संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशां तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन्जिनेत्रां करोतु शान्तिं भगवन्जिनेत्रां करोतु शान्तिं भगवन्जिनेत्रां जी के बाद तो केरत
Thank you.
तेरी प्रतिमा के लिए
नाम तुम्हारा और निराला, सब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐ राम निराला, ऐ Yeah.
तेरे अक्षर में महिमा अरुण तेरे अक्षर महाभाषा सके लघु भाषा साथे सतक सुचि ओ जो सारे बात मैं सत्य कर कल थर पूछे मानत सुमत रवि सचिन हरे सो तमे हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीति धाय गुरु आचार्य जब बचाए साधु कर नगर रतन तेन की नगाद संसार तेन में राग भार तेन पांच थमे सिद्ध पद निहार अब मैं छत्तीस पांच जनाज में खबरदार निकल निज राज देश गुरु की महिमा पढ़ती न जाए गुरु नाम जपो मन बल निहार चंदा प्रभु जी का चोप में आओ चोप चोप
और पुण्य का उदय नहीं है तो तिजारा में आने के बाद भी आपके धर्म में शामिल नहीं। एक हमारे साथी बड़ी लगन से एक महीने से उनका नाम लिखा हुआ था, भाई साहब अशोक जी कैलाश नगर दिल्ली से यहां पधारे, लेकिन मैं कहता हूं संकेत पता नहीं क्या आना था, लेकिन प्रभु के द्वार पर आए, विधान में शामिल हुए और कल चंद्रवाटिका की ओर जा रहे थे। वो जीने में ठोकर लग गई और सिर में चोट आ गई काफी, बड़ा संकट छोटे में निकल गया। इसलिए चलते चलते आप कमरे से आ रहे हो भाई देखे और ठोकर लग जाए और उसमें अंगूठे में थोड़ा सा खून नजर आ जाए तो विधानाचार्य जी आपको कहेंगे भाई जी आप अभिषेक नहीं कर सकते। प्रभु का अभिषेक बड़े पुण्य के उदय से मिलता है। कल आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि विवेक का ध्यान रखे, आपने बहुत सहयोग दिया और मैं आपसे हाथ जोड़कर पैर पकड़ करके सभी से ये निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज मेरी विनती को स्वीकार करना, विवेक पूर्वक चलना। कर्मचारी भाई से भी मैंने निवेदन किया है कि आप भी विवेक के साथ काम करें, क्यों जितेंद्र भगवान का अभिषेक बड़े पुण्य से मिलता है और उसमें यदि हमने अविवेक पूर्वक कार्य किया तो पता नहीं कितने जन्मों तक फल भुगतना पड़ेगा और इस शिक्षक विधान का जो फल हमें मिलेगा वो निरर्थक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और इससे पहले पूजन प्रारंभ हो आज आदिनाथ भगवान की पूजन करेंगे अष्टदाव के साथ में प्रभु के चरणों में। सभी भाई हमारे आपको आज ये बहुत ही सुंदर ढंग से दुख हरण विनती पढ़ेंगे, दुख हरण विनती 656 पेज पर निकाल लीजिएगा। सभी प्रभु के चरणों में बैठ करके पहले दिन ही पढ़ने की भूल गए हम, कोई बात नहीं। दुख हरण तुम्हारा बाना है मन कल्याण का क्या चारा है।
जब से तुमसे पहचान भई तब से तुम ही को माना रे तुमरे ही शासन का स्वामी हमको शरणा सरदारा रे हर सब बोले अचित को तुम मेरे सरदार Thank you.
करूं, रामकुमार जी मेरे भाव थे, मैंने इन्वायरमेंट मुझे भी दो रहे आपकी भावों की आगे सबका राय फैल गए। ये दर्शन भावना प्रधान धर्म है, जो आपके भाव उसके सामने सरल कराए थे। प्रथम की फकर के बाद थे श्री आर्य भगवान की हम भक्ति भाव लोग प्रयोग करेंगे। स्थापिनम् ओम ब्रह्म सिया दिला जगन्द्र अत्र ओम शन्य दो भव वसत शन्य दीगरणा ओ आदिनाथ जी की पूजन कर लो प्यारे वाले बाबा की और चलो कलिशो में ओ चलो कलिशो में चलो कलिशो में भर लो नीर रे प्रभु जी के चरण चढ़ाए Yeah, dude.
हारी जावा मैं तो पर हारी जावा उखड़े पे हारी जावा मैं तो पर हारी जावा अरे आतिश बरदा ए चक्कर की चक्की आ मेरे रे हार सका मैं की पे हारी जावा मारती राजो Thank you.
दीपक जला गई में चरण कमल पर बलि बजाओ मन बचना हो करुणा की सब दुख मिटो या Bye.
अधिपते का शिष्य की महिमा न्यारी। पीजे में देखा बनराज पूज रही जिसकी आवाज। मेरा बजरा थी तूने समझ में सबको देखा जिसकी महिमा न्यारी। तीजे में देखा बनरा पूज रही जिसकी आवाज। तीजे में देखा बनरा पूज रही जिसकी लगी न कोई झटका
प्रभु के पलने में, मदीना तू ही है प्रभु के पलने में, हीरे मोती भी चमकते प्रभु के पलने में, हीरे मोती भी चमकती प्रभु के पलने में, हीरे मोती भी चमकते प्रभु के पलने में, हीरे मोती भी चमकती प्रभु के पलने में, प्रभु का चांद समुखड़ा कहीं नजर न लगे, प्रभु का चांद समुखड़ा कहीं नजर न लगे, तो चुनाव पाना चुनाव पाना मैं ना सरकी क्या नाम है
आरती आरती ने जब इतनी ढींगे सुनी तो आरती को गुस्सा आ जाती है। आरती को गुस्सा आ गई, वो क्या कह रही है, अरे चंदा प्रभु की गरज पड़ी क्या माला माल बनावे की, अरे चंदा प्रभु की गरज पड़ी क्या माला माल बनावे की, सो जा मीच के आंख, अरे सो जा मीच के आंख, सपन में सोना गहने दिख जावे गो, प्रभु का हार बना
आइए पुष्प लेंगे। बोलिए नंदीश्वर दीप में विराजमान तीर्थंकरों की जय। आप और हम यहाँ अपने पूजा के थाल को सजा करके लाए हैं और भगवान से कह रहे हैं, आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए, आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए, अहो भाग्य हमारे जिन देव मिले। आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए, अहो भाग्य हमारे जिन देव मिले। और भोर की ये मेरा आई भक्ति का समा, देखो तो सना भक्ति में मन झूमे गाए झूमे गाए। पूजा की ये थाली हाथों में लिए, एक बार दोनों हाथों को उठाए और फिर हवा में लहराए, फिर इस गीत का आनंद ले और इस गीत के माध्यम से भगवान की भक्ति से जुड़े। आधा पूजा की ये थाली हाथों में लिए, और अहो भाग हमारे जिन देव मिले। आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए, अहो भाग हमारे जिन देव मिले। और भोर की ये बेला आई भक्ति का समा, लक्ष्मी ये पुछो
मधुसूदन सो नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो बस बिन प्रतिमा अभिनामा भाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे पावन जिन मंदिर जान सुरन मन मोहे ओम नंदीश दीप दीप जज डाले जिन प्रतिमा को काम बल ना पुष्पम ने पावी दी इनको शुभ सूचना दे और राम कुमार जी के द्वारा कराई जाएगी। हमारे पंडित साहब भी वहीं पर रहेंगे, आरती भी होगी और भजन भी वहीं पर होंगे, केवल सास सभा यहाँ पर होगी, ध्यान रखिएगा। सास ऐसे ही बोलता है संगीत रहने देना अभी।
Thank you.
ऐसे बिना गुरु के जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे स्वयं बुद्ध लिप्त से प्रभाव से है, तो उस लिप्ति के लिए चला रहे हैं। ओम स्वयं बुद्ध लिप्त जिन से देव नमः हर गम्य प्रभावती देखिए आपकी बहुत अच्छी फोटो बन रही है, ये पारस चैनल पर दिखाई जाएगी, इसलिए सभी लोगों को सावधानी से बैठे और कैमरे की तरफ देखें। कैमरे वाले जो होते हैं ना, किसी से भेदभाव, सबको एक नजर से देखते हैं, एक आंख बंद करके। ओम मई पर देखो दिल दिल से देखो नमः अर्घम नमामि ते कर धर से सम किस धारी तुम देव गवि अनुसारी ज्ञानी विद्वान। तू जाग भी चेतन प्राणी कर आगम की अगवानी, तू जाग भी चेतन प्राणी कर आगम की अगवानी, जो आगम को लगते हैं, जो आगम को लगते हैं उनकी जे अमर करवानी, तू जाग भी चेतन प्राणी कर आगम चमक आती है।
ओम रे दीप तपन जन सिद्धि गुण मारे खम नरमावे दे अंत दाय खई और सपने बाजे चरण दे समाधि कथा चढ़ी सृष्टि तप की दृष्टि नहीं यति भई ते नमक सुख होति ओम रे तपन जन सिद्धि गुण मारे खम नरमावे दे सिख की नीति आदि दे दान दे सिद्ध पैदा पति तप की मान दे महामुनि सर तप सिंह निष्कीर्त आदि जो व्रत हैं उनके अनुसार तप को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। ऐसे सिंह निष्कीर्त व्रत अभी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य हैं आराध्य सागर। आराध्य सागर कितने उपवास किए उन्होंने? 556 उपवास और 556 आराध्य सागर 2 साल के अंदर। अब 2 साल में 556 उपवास करना शिखर शिखर की संबंधित संतके तरुण कट पापस निज बदरके वर्ष में कितने दिन होते हैं पूरे? एक साल में 365। अब इतने बताओ कम से कम 550 उपवास करना है, कितना खाना है बताइए आप। ओम रे घोर तप निज जिन से दीप न मारे खम न पावे के महाभयंकर दिमित मिले जहां निर्विकार गति दृष्टि तहां जाइए हमारे यज्ञ नायक जी को बुलाएं आते जाइए चलाने को। ओम रे पराक्रम रे जन सिद्धि को नमार घम न पावे दे सखन गुण की राश मायति रत्न राशि समाधि पीहति नमो श्री महापति को रहे ओम रे घोर गुण रित जिन सिद्धि को नमा अरे घम न पावे दे अतुल वीर धनी हन काम को चलत मन नगत सुरमा को पद ब्रह्मचारी योगेश्वरा नमो से हरि वसुधीरा ओम रे ब्रह्मचर्य वित्त जिन सिद्धि को नमा अरे गम न पावे दे सकल रोग मिटे संस्पर्श ते बाह्य दिश बनि के आवर्ष ते औषधि होती है। यदि जिन शरीर को जिन मुरियाज को ये रिद्धि प्राप्त हो जाए हमें कैसा भी रोग हो यदि वो शरीर हमसे जरा सा छूट जाए जरा से हमसे स्पर्श हो जाए तो सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। ओम रे पावसन जिन से देखो नमार गमन पावेति देखो ना जल सजनिया बनी है दुल्हनिया देखो ना जल सजनिया बनी है दुल्हनिया दुलाए मीनारे देखो कैसे है मंडप सारे देखो कैसे है मंडप सारे रोग व्याधि सब जन भगति ओ शरीर है वेति भावना भईते नमत सुखि पावना ओ जलो सुधि जन सिद्धि को नमा घूमन पावे दे हम सब सिमट के आपके चरणों में आ गए हम सब सिमट के आपके चरणों में आ गए हम सब सिमट के आपके चरणों
सब औषधि के सब देश में औषधि अब यहाँ से पद वृद्धि प्रारंभ हो रही है। पद वृद्धि के तीन भेद हैं, मन वृद्धि, पचन वृद्धि और काय बल वृद्धि। चलिए, मन संबंधी भी पड़े अतिशय महा, एक मुहूर्त अंतर सब चिंतन लगा, मनोमनी इति पै सुख दाय जो मैं से सुख दाय जो दिन पाए। मन इतना मजबूत कि अंतर मुहूर्त में ही सारे द्वार संघ का चिंतन कर लेते हैं, ऐसी है मन बल नाम की वृद्धि होती है। ओम रे मन बल सिद्धि गुण मार घम रूपा मिति भिन्न अति शुद्ध स्वच्छ सर्वोच्चरे एक बहुरत अंतर शुद्धि मन बने करे काय बल वृद्धि की जब प्राप्ति हो जाती है तो एक साथ छह महीने एक 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 अंगूठे पर खड़े रहते हैं, एक मुद्रा में बैठे रहते हैं, ऐसा स्थिति का प्रभाव है। बाहुबली भगवान कितने समय खड़े रहे थे? एक वर्ष। ओम ब्रह्म काय बल वृद्धि सिद्धि गुण मार घम रूपा मिति अति नरस चरु चीर होय कर धरति की वचन चिन्त प्रश पर दुष्ट ना करति की वचन सुनत पर को गत सम स्वामी ते रहे अमृत समाहार होए कर करत वचना मत दे सुख श्रवण में जाएंगे क्यों बचपन को भुला जवानी सोए गवाई और मीठे सपनों में हरदम तेरी मति लुभाई मीठे सपनों में हरदम तेरी मति लुभाई भोगों का मेला भोगों का मेला यहाँ बड़ा चालबाज है बड़ा चालबाज है आज भी ने और निकल भी रहेगा दिन रात सपनाए और वर्तमान नित प्रतीक से नमो का विसरनाए और व्यक्ति रोग गुण अदम बने ओम रे वर्तमान सिद्धि गुरवा हरि भक्त स्वामी महावीर धीर चेतने नमो सिद्धि चिन्तामि संकल्प के प्रभु मैं हरे। अपने बच्चों को पूजन में अवश्य बैठाना चाहिए, एक छोटा बच्चा यही तो आगे चल के धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से खोटे 16 स्वप्न देखे थे चंद्रगुप्त ने, उसमें आया था कि एक गाड़ी को बछड़े खींच रहे हैं, बछड़े खींच रहे हैं गाड़ी को, तो उसका अर्थ ये था कि आगे आने वाले में बच्चे ही इस धर्म को चलाने वाले होंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार अवश्य देना है, ऐसे बच्चों को सम्मान करना चाहिए। जो भगवान जनन की पूजा देखो कैसे चांदी की थाल में कर रहा है, ऐसे सभी को अपने तो बड़े बड़े मंत्र बना देना कोई फायदा नहीं है। यदि आपने बच्चों को संस्कार
नहीं दिए। हाँ वो उम्री ओ मुनिमा भय विध्वंस का महावीर चिन्नाय नवार घम नृपमिति स्वाहा छायक श्रेणी अरण्य जिभावी यदा निश्चय अर मूल ये ना निश्चय अर से अमूल सिद्ध योग सही जनो ओ मुनि योग सिद्ध बोलो अर घम नृपमिति गीतराग पंथार ध्यान करे मेरे को लोग शिखर सिंह थान अचल विराजत से ओम सर सिद्ध जो नमार गम नृपा में दे औगन करत कल्याण आप सर्व कल्याण मैं सोई सिद्ध महान मंगल है तू नमो तीन योग के पूर सर्वोत्तम सुखदाय है परमात्म की Sit down and get your mother.
सारे संग संग विच सागर की लहरें सिद्धर की जो अनंत गुण ओम रेम अनंत गुणात्मक सिद्ध परमेश्वर को नमः आए घमंड पावे स्वाहा चुप बैठना युक्ति भी तो नहीं है ने भी तेरे भरोसे तेरे भरोसे नहीं सब बैठी थी भूल कर वैराग उमड़ आए वैराग उमड़ आए कि माना मिली परियाए से मुक्ति तो नहीं है। आइयो ये जो लाइन हम गा रहे हैं ये हमारे भजन सम्राट जो दुनिया में एक ही थे आदरणीय दादा रविंद्र जैन हमारे देश की क्या कहें इस धरती की वो हमारे जैन समाज के धरोहर थे उनके द्वारा ये गीत लिखा गया बिल्कुल नहीं क्यों मान कसाए आए बिना रहेगी नहीं वो कसाए आए भी तो आप जानते हो ये करत रहा बड़ा बहुत यही तो है कि प्रशंसा हो और मान पर, कसाए ना हाँ तो इसलिए प्रशंसा आज के बाद भी मैं आपके चरण पकड़ लूंगा लेकिन आज के बाद इंडियन रूप में मेरी प्रशंसा नहीं ये तो परीक्षा है हम प्रशंसा करें और आपको कसाए ना आए यही परीक्षा है उस परीक्षा में आपको पास होना है ओम नमः नमः शिवाय उसे नमः 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 तुम्हें
सभी का दोनों प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्यान
तोनो सिंह चरण जिनके मोक्ष जो रो न पाऊ पर मेरे ही वे मवे ते इसणो में तमरो जी रो प्रभु जमलो न पाया मुक्ति पर मेरे अक्षर परमात्मा से दोष जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो हे करुणा करि पुरी छोड़ा रहो भक्ति से मंडी स्वर पाऊ तब चरण सर्व वाली मरण समाधि सब दुर्लभ कर्म का छय हो सुख सुकारी इति शांति भक्ति समाधि भक्ति च पढ़त्वा काय सर्व करो के पुष्पा चरित चिपामी तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।